सबका इस सेशन में स्वागत है। अभी हम हमारे कुछ पहले लेक्चर सीरीज के बारे में देखते हैं। हमारी सबसे पहले लेक्चर सीरीज थी अन्न कल्पना, उसके बाद में जो लेक्चर सीरीज हुई थी वो थी स्त्री परिचर्या, बाल विज्ञानिया, योग रहस्य एंड रत्न समुच्चय। अभी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। काइंडली ज्वाइन 10 मिनट्स बिफोर ईच सेशन। ज्वाइन इन फॉलोइंग फॉर्मेट। फर्स्ट फील्ड योर रजिस्टर नेम, सेकेंड फील्ड योर ई मेल। कीप पेन एंड कॉपी विथ यू सो यू कैन राइट नोट्स ऑफ सेशन। ऑल्सो एनी क्वेश्चन अराइजेस इन यूर माइंड, राइट डाउन इट इमिडिएटली एंड आस्क इन क्वेश्चन आंसर सेशन। We have arranged demonstration video about procedure of accessing recordings of lectures. You can contact our technical team for any issue in accessing recordings or joining the meeting. Kindly submit the feedback form after end of the series. अभी हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना लेंगे। शंखं चक्रं जलोकां ददतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं काराम्बुदोज्ज्वलाङ्गम् तट विलसच्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् ॐ नमामि धन्वन्तर्यादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुप भयमृत् नाशम् दातारमीशाम् विविधौषधीनाम् दातारमीशाम् विविधौषधीनाम् रागादिरोगान् सततानुशतकान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् मोहारतिदाजाना यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हे भगवान धन्वंतरी, हम आपकी कृपा से आज यह व्याख्यान में सहभागी हो सके हैं, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, हमारे तन तथा मन से रजतम का आवरण नष्ट होकर हमें इस विषय का आकलन हो और हमारे दैनंदिन जीवन में तथा रुग्णों की चिकित्सा करते वक्त इसका उपयोग हो, इसी हमारी शरणागत भाव से प्रार्थना है। आज का टॉपिक, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी कलियुग वर्ष 5124 दिनांक 18/6/2022। आज का जो टॉपिक है, अत्यंत चिकित्सा और रसकल्प बाय वैद्य पार्थ काले सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अभी आगे का सेशन कंटिन्यू कर। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। रसो वै सह इति श्रुतेः यस्मात् सूतं जगत्त्रयं युध्यायन्ति योगिनो नित्यं तं नमामि रसेश्वरम्। आज का जो टॉपिक है, आत्यक चिकित्सा बाय रस शास्त्र और रसकल्पज, बहुत
रोज के दैनंदिन व्यवहार में हमारे लिए आता ही है ऐसे अवसर का ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली मे भी हमारे पास आईपीडी कम होने की वजह से और आयुर्वेद की ख्याति अभी तक एक्यूट या इमरजेंसी कंडीशंस हैंडल कर सकती है ऐसी हो नहीं पाई है समाज में, आज के समाज में, इसलिए क्योंकि पहले के समाज में आयुर्वेद से दूसरा कोई शास्त्र ही नहीं था, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। अभी एलोपैथी जैसा एक शास्त्र होने के वजह से और सभी आईपीडी सभी हॉस्पिटल्स इसी को प्रधान मान के काम करते रहे हैं, इसलिए यह अवसर बहुत कम बार आता है वैद्यों के पास। तो बल्कि मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया लेने के लिए, इसलिए मैं एज अ रसिक शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता सकता हूँ इसके लिए मैं ले रहा हूँ, बट ये रोज का तो टॉपिक नहीं हो सकता अभी तक के लिए। अभी करंट आयुर्वेद का अगर सिनारियो देखे, दिन ब दिन जो आयुर्वेद का महत्व फिर से प्रस्तापित हो रहा है, और उसमें भी कोरोना के ओवरऑल पीरियड में आते ही अवस्था में भी बहुत सारे वैद्यों ने जो जो रिजल्ट्स दिए हैं उसे देखते हुए, शायद या फिर शायद नहीं कहना चाहिए, श्योर ही होना चाहिए शायद अभी, कि आगे का पूरा जो पीरियड आएगा ये आयुर्वेद से आत्यधिक चिकित्सा भी हो पाएगी ऐसे रहेगा। और वो सुदिन हमें देखने को मिलेंगे कि शायद कुछ वैद्य रहेंगे जिनकी दैनंदिन व्यवहार में आत्यधिक चिकित्सा करना यही उनका व्यवहार रहेगा। ट्रॉमेटिक सेंटर जैसे होते हैं वैसे आयुर्वेद के भी हो, ऐसे हम मनोकामना हमने करनी चाहिए। ये मनोकामना इसीलिए कि हाँ आयुर्वेद भी ये सब कर सकता है और आयुर्वेद एज अ मेन स्ट्रीम साइंस खड़ा हो सके, इसलिए ये जरूरी है। और इससे होने वाला है वही कि रुग्ण का हित, यही अल्टीमेट एम रहेगा। इसमें कुछ पैथी आगे लाना इतना ही तो एम नहीं रह सकता, बट इस इतने साल तक जो आयुर्वेद कर नहीं सकता ऐसे लोगों को लग रहा है वो कर सकता है ये हमें पता है, क्योंकि खुद अष्टांग हृदयकर वाग्भट उत्तर तंत्र के ऑलमोस्ट लास्ट अध्याय में कहते हैं, एतद् हि मृत्युपाशानाम् अकांड छेदने दृढ़ रोगांत्रासित भीतानाम रक्षाम सूत्रम असूत्रकम। सो खुद वाग्भट इतना कॉन्फिडेंस हमें दे रहे हैं कि ये शास्त्र ही मृत्यु पाषाण नाम छेदने दृढ़म, दृढ़म मृत्यु पाषाणाम छेदनम, तो दृढ़ ऐसे जो मृत्यु पाश है उससे भी उस मृत्यु पाश को तोड़ के बाहर निकाल सकता है, बाहर लेके आ सकता है, ऐसे ही आयुर्वेद शास्त्र है। तो उनके मन में कोई भी आशंका नहीं है कि आत्यक अवस्था में ये यूज होगा नहीं होगा, और तब आशंका रहने की संबंध भी नहीं था, एक एक ही शास्त्र था आयुर्वेद नाम का। उसके पीछे भी अगर वेदों में जाके देखें हम, अथर्ववेद में कुछ सूक्त है जिसमें एक जगह पे वो कहते हैं, एक जो वाक्य का है वो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि किसी रुग्ण के लिए ही कहा है, न बिभेति न मरिष्यसि न मरिष्यसि, ऐसे कहते, तो डरो मत मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो ये वाक्य में भी आपको कॉन्फिडेंस पता चलता है कि उनके पास ऐसे अस्त्र थे, ऐसी सिस्टम शायद खड़ी थी जिससे आप इमरजेंसीज में आत्यक अवस्था में भी रुग्ण को हैंडल कर सकते हो। इसलिए हमारे शास्त्र में असाध्य अवस्था है तो दी है, नहीं ऐसे नहीं, उसमें आत्यक अवस्था भी कितनी सारी आ जाती है, बट फिर से ग्रंथकार कहते हैं कि यावत गंठगत प्राण तावत चिकित्सा कर्तव्य, तो वो असाध्यत्व हमें समझने के लिए, क्योंकि याप्यत्व और उसके रिलेटेड प्रत्याख्यान जो करना है, जो कंसेंट आपको लेनी है उसके रिलेटिव से, या फिर रिलेटिव नहीं है तो जो कोई अधिकारी व्यक्ति है उससे, क्योंकि ऑफ कोर्स तब से लेके आज तक मेडिको लीगल ये तो एक पॉइंट रहता ही है ऐसे अवस्था में, तब राजा महाराजा होंगे, आज गवर्नमेंट होगा, बट मेडिको लीगल ये तो आने ही वाला है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए साध्यत्व क्या है, असाध्यत्व क्या है, और मैंने ये असाध्य है या अयाप्य है ये पहले बता के कंसेंट लेके बाद में मैं मेरी कोशिश सिर्फ अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ श्योर शॉट रिजल्ट की गारंटी हमेशा रहेगी ऐसे हम नहीं बता सकते, इसीलिए साध्य असाध्य तो पता होना चाहिए। बट यावत कंठगत प्राणा, ये तो चिकित्सा के लिए अवसर बताया ही है कि जब तक प्राण है तब तक वैद्य का कर्तव्य है कि वो चिकित्सा करते रहे और बचाने की कोशिश करते रहे पेशेंट को। तो आत्यक चिकित्सा इस व्याख्यान के बारे में जब हम सोचेंगे तो पहले तो ये होगा कि आत्यक चिकित्सा आयुर्वेद में हो सकती है या नहीं, ये तो एक दो ही मैंने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन हो सकती है ये हम शास्त्र में देख सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि आत्यक चिकित्सा करनी है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ऐसे तो आज तक है नहीं, क्योंकि जैसे एमडी के टॉपिक्स होते हैं, काय चिकित्सा है, शल्य है वगैरह सब है, लेकिन उसमें इमरजेंसी हैंडलिंग बाय आयुर्वेद ऐसे ना तो कर्माभ्यास हो पाता है ना थेरोटिकली भी उतना कुछ बताया जाता है। तो एक्चुअली आत्यक चिकित्सा करने का अवसर कब आएगा ये हम कोई बता नहीं सकते। कोई भी वैद्य जो प्रैक्टिस कर रहा है शायद उसके प्रैक्टिस के प्रथम दिन पे ही एखादी या फिर सीखते वक्त भी अचानक से सामने एखादी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, या कुछ सालों तक प्रैक्टिस होके बाद में कभी तो ये अवसर प्राप्त हो, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आत्यक अवस्था है ये, एक्सीडेंटली आपके सामने आ सकती है, उसे कुछ एक रूल नहीं आप बता सकते। या इतना हमारा शायद अभी तक कर्माभ्यास नहीं है कि हम डायरेक्टली बोर्ड ही लगा देंगे कि ट्रॉमेटिक सेंटर, उसे कुछ लीगल भी और इश्यूज है इसलिए। बट हम ये कर सकते हैं, ये सिर्फ ग्रंथों से पता होके नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि समझो मुझे कभी भी आत्यक चिकित्सा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं पेशेंट को रेफर कर दूं या फिर मुझे नहीं आता ऐसे कहना ये लांछन है और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि शायद आप रेफर करने के लिए आपके पास है ही नहीं, आप ही एक में वो ऑप्शन हो, तो फिर प्रिपेयर मैं क्या करूंगा। तो फिर बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट यही रहता है कि हाँ एलोपैथी की इमरजेंसी ट्रीटमेंट सीख लो, क्योंकि आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट एज सच है नहीं, और बाकी तो आयुर्वेद से आप कर पाओगे इमरजेंसी, लेकिन सेटल करने तक एलोपैथी की मदद ले लो। अभी मदद नहीं लेनी पड़ती ऐसे बात नहीं है, मदद लेनी पड़ सकती है, और अगर रुग्ण के प्राण बच रहे तो वो मदद लेने में कुछ हर्ज भी नहीं है। बट फिर भी हमें खुद को कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ऐसे व्याधि आ जाती है कि हम दूसरी मदद भी नहीं ले सकते और हम ही एकमेव ऑप्शन है उसके सामने, तो हमें ही वो हैंडल करनी पड़ेगी। और उल्टा हम एक समय ऐसे आए कि शायद लोग इसके लिए जानबूझ के ही हमारे पास आए कि आत्यक चिकित्सा ही आयुर्वेद से भी अच्छी हो सकती है, इसलिए इस दोनों तरह से हमें खुद को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो उसमें पहले से यानी हमें हमारी कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो मैं ये सब शुरुआत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आत्यक चिकित्सा बाय रसकल्प ये बताने के लिए क्या 8, 10, 20, 30 रसकल्पों की एक लिस्ट दे दी और उसकी हर एक की एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट में से कोई कंडीशन बता दी, ये फॉर्मूला बेस्ड ट्रीटमेंट ना आत्यक में ना जीर्ण चिरकाली व्याधि में, कुलसंभव व्याधि में, किधर भी आयुर्वेद में ये फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस एग्जैक्टली नहीं होती है, आप सबको पता है। दोषादि विज्ञान का महत्व हर जगह पे ही है, चाहे वो आत्यक हो या ना हो। तो इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि दूसरी एक चीज ये रहती है कि आत्यक अवस्था में आपके पास निदान के लिए ज्यादा समय नहीं रहता। बाकी व्याधि में आप रुग्ण की चाहे तो 5-10 मिनट में केस टेकिंग लो या फिर 1-1 घंटे तक रुग्ण इतिहास लेते बैठो, उसका आपके पास समय रहता है, चाहे तो और समय मांग के भी आप ले सकते हो कि मुझे आपके केस के लिए स्टडी की जरूरत होगी, और आप उतना समय लेके चिकित्सा कर सकते हो। बट आत्यक अवस्था में ये सब नहीं रहेगा, आत्यक अवस्था में पूरा आप परीक्षण करोगे, सब हेतुवादी निदान पंचक पे सोचोगे और कर पाओगे, ऐसे नहीं होता। कुछ समय, कुछ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो डिसीजन लेने होते हैं और आपको चिकित्सा देनी होती है। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि यही सेम चीजें विषय चिकित्सा के बारे में बताते बताते चरक महर्षि बता देते हैं कि विषय चिकित्सा करते वक्त पहले जब विष का रुग्ण आता है तब वो कहते हैं तमवेक्ष विषक प्राज्ञः पृच्छेत किम कई कदा सह जगदम इति अवगम्याशु। तो पहले जब रुग्ण आता है तो उसने किम कई कदा सह, तो क्या सेवन किया है, किसके साथ सेवन किया है, कब सेवन किया है, ये सब जब समझ के ये क्या क्या आपका कैसे कैसे किसके संयोग के साथ कितने बजे प्राशन हुआ, ये 3-4 ही क्वेश्चंस में आपको समझ लेना है। तम अव और वही समझ लेके आशुहु जल्द ही आपको तुरंत चिकित्सा चालू करनी है, तो आपके पास अवसर नहीं प्राप्त होता। आपको पता होना चाहिए प्रिसाइज मुझे 3-4-5 जो कुछ है वो स्पेसिफिक प्रिसाइज क्वेश्चंस क्या पूछने हैं उतने मैंने, या फिर प्रिसाइज सिर्फ कौन से स्थान शरीर में मुझे दर्शन स्पर्शन या दर्शन और स्पर्शन स्पर्शन से
समझ लेने हैं, परीक्षण करने हैं, और प्रश्न से क्या समझ के लेना है, ये दो चार चीजें। और इस सब के लिए आप मॉडर्न मेडिसिन में भी अलग अलग हार्ट रिलेटेड वगैरह वीडियोज भी अगर आजकल देखते हो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इस सब के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेकंड का टाइम आपके पास रहता है, जिसमें आपको ये सब चीजें एसेस करनी पड़ती है। तो तब तम अवगम्य आशु, ऐसे चरक कहते हैं। और आगे क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक के लिए भी, क्योंकि उसके आगे जो देना है तो सूक्ष्म ताम्र रजः रुद्र विशोधन कहा है उसे, पहले वमन हो जाए, इसलिए क्योंकि वो विष का विष चालू है। तो विष के लिए पहले होता है कि आमाशय में अगर प्राशन के वजह से विष गया है तो उसका पहले शोधन हो जाना चाहिए, तो उसके लिए ताम्र कहा है देने के लिए। और उसके बाद आपको रुद्र रक्षण के लिए सुवर्ण देने के लिए कहा है। तो दोनों रस औषधि में आने वाले द्रव्य है, ये इंपॉर्टेंट है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, तीनों जगह पे आपको ये मिलेगा, तो एज अ टॉपिक ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जाके जब हम खुद सोचने जाएंगे तो आत्यक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार लेक्चर्स में, या फिर आज मैं देने वाला हूँ लेक्चर, इसमें भी थोड़ा सा कुछ ओवरलैपिंग हो जाता है कि आत्यक हम बोलने ही जाते हैं, बट एक्चुअली इसमें कुछ दारुण, घोर, या फिर क्या कह सकते हैं, असाध्य, ऐसे व्याधियों का वर्णन भी आता है। तो आत्यक का मतलब एक्चुअली देखने जाएंगे तो पासिंग अवे, डेथ, डेंजर, सफरिंग, ऐसे आते हैं। तो उसमें से एक्चुअली जो विनाश कारण है, टीकाओं में भी आयुर्वेद के कहा है कि व्यापद या फिर विनाश, नाश, ऐसे जो कारण है वो एक्चुअली आत्यक चिकित्सा में आते हैं, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। बट ऑफकोर्स हमें हमेशा एग्जैक्टली इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही मिलेगी करने के लिए, ऐसे नहीं है। बट बहुत बार कुछ दारुण अवस्था रह सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं जिसके लिए उपद्रव शब्द प्रयुक्त हुआ है, या उपद्रव हो सकते हैं जिनको अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो शायद वो आत्यय में या फिर इमरजेंसी में लैंड हो सकता है। तो कभी कभी पहले दारुण अवस्था में चिकित्सा करना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर दोनों थोड़े से ओवरलैप हो जाएंगे इस व्याख्यान में और बहुत सारे व्याख्यान में होते हैं, कि कुछ अवस्थाएं दारुण रहती है, कुछ अवस्थाएं आत्यक रहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं या केसेस में डिस्कशन होता है। तो ऐसे आत्यक के बारे में जब हमें सोचना होगा तो ग्रंथों में ऐसे किधर किधर अवस्थाएं या फिर ऐसे चिकित्सा दी है वो भी देखना जरूरी होता है, और ऐसे समय पे निदान में क्या क्या चीजें जल्दी से जल्दी एसेस करनी होती है ये भी समझ के लेना जरूरी होता है। इसलिए बट आज का दिन, आज का जो टाइम स्पैन होगा बोलने के लिए वो इतना बड़ा नहीं है कि ये सब डिस्कस करते बैठेंगे। तो उसके लिए मैं, उससे अच्छा होगा कि आपके लिए रेफरेंस के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। कुछ अच्छे व्याख्यान आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो मैं भी बहुत बार सुनते रहता हूँ या मैंने पहले सुने हैं उन गुरुओं से खुद। तो उसमें आत्यक अवस्था के बारे में ओवरऑल कैसे सीखना है या कैसे आयुर्वेद के हिसाब से समझ लेना है, इस पे यूट्यूब पे दो बहुत अच्छे व्याख्यान है वैद्य अनिल पानसे सर, जो कि मेरे गुरु हैं उनके। रुद्रोग में आने वाले आत्यक अवस्थाओं पे आपने सुना ही होगा, वैद्य तपन कुमार सर की बहुत अच्छे व्याख्यान है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट 20 मिनट्स में क्या क्या आत्यक चिकित्सा करनी है इसके प्रोटोकॉल्स दिए हैं बहुत अच्छे से। वैद्य प्रवीण जोशी सर का पंचकर्मयीन आत्यक चिकित्सा पे आपको सीखने को मिलेगा, और रस औषधि जो आज टॉपिक लेना है उस पे ही बहुत अच्छे व्याख्यान पहले ही कुछ लोगों ने दे के रखे हैं, जैसे शशि कुमार नेचील सर ने दिया है और गोपी कृष्ण सर ने भी दिया है। तो इसके अलावा भी और अच्छे रह सकते हैं, बट इतने मुझे जो पता है कि बहुत अच्छे व्याख्यान ही है। मुझे लगता है कि आज का व्याख्यान भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो सुन फिर से जब सुनोगे उससे पहले आप एटलीस्ट अनिल पानसे सर का व्याख्यान सुनोगे तो बहुत चीजें ज्यादा क्लियर होना चालू हो जाएगा। तो ये समझ के लेने के लिए जरूरी है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, अनुभवामृत नाम का वैद्य नृसिंहाचार्य बागेवाड़ीकर जी, नृसिंहाचार्य बागेवाड़ीकर जी, इनका छोटा पुस्तक है, ग्रंथ है। तो वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग व्याधियों की बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइज अवस्था लिख के उसके सामने चिकित्सा दी है, लाइक फॉर्मूलाज। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयुक्त तो हो जाएगी। उसमें से जो आत्यक अवस्था है, जो क्योंकि उसमें सिर्फ आत्यक नहीं है, सभी व्याधि और सभी उसकी अवस्था है, बट आत्यक अवस्था का मैं ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, जिसमें ऑलरेडी कंपाइलेशन एक जगह पे करके रखा हुआ था, तो वो आप समझ सकते हो। तो इनसे आप पहले आत्यक चिकित्सा समझनी होती है तो क्या क्या सोचना होता है ये इन व्याख्यानों से समझ सकते हो। बट टू गिव इट्स कंसाइज वर्जन, और एटलीस्ट आप जब आज व्याख्यान हम दे रहे हैं तो उसके पहले हमें एटलीस्ट क्या क्या करना है ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ बातें इधर सिर्फ रखूंगा जो आत्यक चिकित्सा के बारे में सोचते वक्त पहले देखनी होती है। तो
जो वैद्यानील पानसे सर है उनके लेक्चर में भी है, और हम उनके पास सीखने जाते रहते हैं। उनके इधर अलग अलग कुछ आत्यिक अवस्थाएं देखने को भी मिली थी उनकी, उन्होंने चिकित्सा देते वक्त, इसलिए कुछ बातें सामने इम्पोर्टेंट आती है वो पहले बताता हूँ। उन्होंने तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक तो, दूसरा डेयर एंड एक्ट, एंड अर्जेंट अटेंशन। ऑफकोर्स ये सिंपल है, आपको भी पता है कि ये आत्यिक अवस्था में करना ही होता है, बट इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये आना इतना ईजी नहीं है। डेयर एंड एक्ट कहना ईजी है, बट आपके सामने जब अपस्मार का वेगी रुग्ण जब वेगावस्था में अचानक गिर चुका है, जिसके मुंह से फेनोद्गम हो रहा है, जिसकी ऊर्ध्व दृष्टि हो गई है, आपको नाड़ी ठीक से नहीं लग रही है, ऐसे सामने अवस्था में रुग्ण है, और तब डेयर एंड एक्ट ये कहना ये अलग बात है, ऐसे कहने के लिए इजी है, या प्रेजेंस ऑफ माइंड ये तो बहुत मुश्किल चीज हो जाती है तब। उसके लिए ऑफ कोर्स आयुर्वेद कभी भी सिर्फ सूत्र सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं देता, आपको आयुष्य में ही आपके कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं, इसलिए ऑफ कोर्स आपकी थोड़ी सी अध्यात्म की बैठक इसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि आपका माइंड काल्म एंड फोकस जितना होगा उतना अच्छा डेयर एंड एक्ट या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका पॉसिबल है ऐसी बहुत कठिन अवस्थाओं में। तो उस पर मैं ज्यादा नहीं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी केस है जो पानसे सर का उल्लेख किया था, इसलिए बहुत बार मैं बता भी चुका चुका हूँ जिधर जिधर मैं कभी बोलता हूँ उधर, कि एक हमारी क्लासमेट थी जिस जो स्त्री ऑफ कोर्स रुग्ण, तो आर्तव स्राव के समय पे आर्तव के वजह से बहुत तीव्र उदर शूल होने के बाद वो ऐसे ही गिर गई थी, जैसे मैंने पहले आपको सब अवस्था बता रहा था, अपस्मार जैसे लगे ऐसे कुछ अवस्था थी उसकी, बट उसमें श्वास का वेग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, ऑलमोस्ट वो श्वास लेते समय गिर गई थी, तो वो बेड से ऑलमोस्ट आधा फीट तक ऊपर उठ रही थी, इतना जोर जोर से वो श्वास ले रही थी, जैसे कि महाश्वास का वर्णन होता है उस तरह, बट कॉन्शियसनेस नहीं था उसे, जो आप कुछ बोल रहे हो वो पता नहीं चल रहा था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। पीड़न आदि जो कर्म किए जाते हैं तीव्र पीड़न करके, जैसे पेड़ में पिन डाल के चेक करते हो कि रिस्पॉन्स कैसे है, या फिर आईब्रोज के ऊपर अपन ये मर्म के जगह पे वगैरह आप पीड़न करके देखते हो कि पीड़न से कुछ रिस्पॉन्ड आ रहा है क्या, वैसे नहीं आ रहा था। तो उन्हें जब लाया गया था हॉस्पिटल में बाद में, तब बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और प्रैक्टिस में पहले से ही कुछ साल बिताए हुए वैद्यों की भी मैंने हालत देखी है, कि तब प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर डेयर एंड एक्ट ये बहुत मुश्किल हो गया था, वो घबराहट हो गई थी, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेद से अभी करना है काम, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथी चलती नहीं थी, अलाउड नहीं था। तब पानसे सर को बुलाया जाता था ऐसी कंडीशन में, तब उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने उनका मैंने जब स्वरूप देखा था, वो गुरु से कुछ चीजें सीखने का वो महत्व होता है कि उधर भी आप सीखते हो कि कैसे काम रहना होता है, बिल्कुल भी कुछ हरी नहीं करते हुए, कुछ घबराए हैं ऐसे नहीं, कूल थे। और उन्होंने कहा कि नर्स को सिर्फ बताया कि जाओ सिर्फ वचा चूर्ण लेके आओ, और उसे हस्ततल पादतल और जिह्वा इन जगह पे वचा से चूर्ण से सिर्फ प्रतिसारण करो। उतना सिस्टर ने जाके जल्दी चालू किया, एक्चुअली रस औषधि तब यूज हुई थी जिसमें इम्पोर्टेंट था आई थिंक लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास, बट वो बाद में था वो डिसीजन, पहले तो ये किया गया, और उससे सिर्फ उतना प्रतिसारण करने से उसका जो श्वास वेग था वो नॉर्मलाइज हो गया, कुछ मिनटों बाद वो ठीक से कॉन्शियस थी, वो रिस्पॉन्ड कर रही थी जो कुछ आप पूछो उसके लिए, इतना सब सिर्फ एक वचा चूर्ण के प्रतिसारण से हुआ था। तो दो आज का टॉपिक रसकल्प है, बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि अत्यधिक अवस्था होती है तब सिर्फ ये मेडिसिन, ऐसे कभी भी नहीं होता, क्योंकि आत्यिक अवस्था कब आएगी ये जैसे पता नहीं है, तब उस समय आपके पास क्या होगा ये भी आपको पता नहीं है। शायद कभी कभी ऐसी अवस्था में हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप किधर घूमने गए हो बट आप डॉक्टर हो, आपने मेंशन किया होता है, फॉर एग्जांपल फ्लाइट में भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो, और आपका ये कर्तव्य बन जाता है या फिर लोग आपके तरफ देखते हैं कि आप वो हैंडल करो अगर आत्यिक अवस्था आती, तो शायद आपके पास कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था हो सकती है, तब क्या करना है?
वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब ऐसी बहुत बहुत सिंपल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे बहुत बार अपस्मार के रुग्ण की आत्यक अगर आपको अवस्था में चिकित्सा करनी है, तो सबसे बढ़िया चीज़ औषधि मुख से देने से भी बेस्ट होता है कि आप सिर्फ किसी भी तीक्ष्ण द्रव्य का उसे प्रदमन करो। तो तीक्ष्ण द्रव्य से प्रदमन करने से ही वो वेग से बाहर आ जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो उसमें बहुत बड़े कल्प की जरूरत नहीं रहती, तब प्रेजेंस ऑफ माइंड यही बहुत बड़ी बात है। या फिर कुछ स्किल्स आपको बार बार रुग्ण देख के या बार बार ऐसे जगह पे जाके डेवलप भी करने चाहिए, लाइक वो आज के जमाने में या फिर शायद मॉडर्न मेडिसिन ने दिया है, बट फिर भी सीपीआर जैसे चीज या फिर हेड लो पोजीशन देना, ऐसे चीजें जो इजी है जिसमें कुछ और कुछ अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, बट आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे स्किल्स सीखना कुछ बुरी बात नहीं है, वो आपको आने चाहिए, जिसके लिए आपको भेषजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फर्स्ट एड के जैसे चीजें होती है, वो भी आपको पता रहना ऑफकोर्स जरूरी है। तो उतना ही करके भी आप कुछ हद तक आत्यक अवस्था मैनेज कर सकते हो। जैसे आयुर्वेद में अग्रे संग्रह बताते वक्त आपको पता होगा कि मूर्छा शु मारुतच्छायाः, तो उधर कुछ भेषज नहीं आया, मूर्छा आई है रुग्ण को, तो शीत वातक उस पे उसे उसके चेहरे पे या शरीर पे शीत वातक का संपर्क आना चाहिए और छाया रहनी चाहिए, धूप वगैरह नहीं होना चाहिए, तीव्र कुछ लाइट नहीं होना चाहिए। इतनी भी केयर ली तो भी आप मूर्छा से रुग्ण को बाहर निकाल सकते हो। या फिर शीत जल का सिंचन करना आश्वासन चिकित्सा में आया है। तो इतनी सिंपल चीजों से भी चिकित्सा हो सकती है आत्यक अवस्थाओं में। और कुछ व्याधियां रहेंगी जैसे आत्यक अवस्था है लाइक हार्ट अटैक, तब ऑफकोर्स सिर्फ आपको शीत मारुतच्छाया से नहीं काम होगा, तब आपको शायद भेषज की ही जरूरत पड़ेगी, वो तो हम बात करने ही वाले हैं। बट ऐसी अवस्थाएं रह सकती है जिसको आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यही सबसे बड़ा आपका शस्त्र हो जाता है। तो इसमें जो वाग्भट ने दक्ष स्थितार्थ शास्त्र और दुष्टकर्मा शुचिर्भिषक बताया, उसमें से दक्ष और दुष्टकर्मा ये गुण वैद्य ने खुद में इनकारपोरेट ज्यादा से ज्यादा करना, इस पे ये सब डिपेंड है कि आप दक्ष कितने हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसे है और दुष्ट कर्मा कितने हो। क्योंकि आत्यक अवस्था आपके सामने आती है तब आपको कितना भी नॉलेज हो आपने एक्ट करना ही है, बट ऑफकोर्स उसके पहले आपने कोशिश करनी है कि मुझे मैक्सिमम नॉलेज किधर से मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आजकल ही कुछ व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, वैद्य गुरुवर्य वैद्यराज जमदग्नि सर की भी पोस्ट एक आ रही थी कि वैद्य को या फिर स्टूडेंट्स को चाहिए कि जिधर जिधर से पेशेंट हम दे सकते हैं उधर उधर जाके ज्यादा से ज्यादा पेशेंट कैसे देखे, क्योंकि वो पेशेंट आप जितने देखोगे, जितके आपके पास दुष्टकर्मता होगी, उतने आप फिर से ग्रंथ में जाके, क्योंकि पहले आप शास्त्र चीजें देख रहे हो प्रैक्टिकली, बाद में बात फिर से जाके शास्त्र में देख रहे हो, तब ही आपको वो दृष्टि प्रकाशित होने वाली है। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा पहले तैयारी हो जाएगी, जिससे बाद में आपके जाके आप चिकित्सा कर पाओगे। ये हो गया एक तो गुण के बारे में कि वैद्य के ये गुण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपको आत्यक अवस्था में चिकित्सा करनी है। दूसरी चीज आ जाती है कि रुग्ण में क्या क्या देखना होता है, क्योंकि कभी कभी पॉसिबल है कि आप शायद रुग्ण थोड़ा सा कॉन्शियस है इसलिए आप प्रश्न परीक्षा कर पाओ, या फिर उसके रिलेटिव्स या कोई बाजू आजू बाजू में है उनसे प्रश्न कर पाओगे, बट बहुत बार आत्यक अवस्था में प्रश्न परीक्षण बहुत मुश्किल हो जाता है। उधर दर्शन और स्पर्शन ये दो ही चीजें ऐसी रह जाती है, और आजकल कुछ अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो कुछ हद तक इन्वेस्टिगेशंस रह सकते हैं, बट मेनली दर्शन और स्पर्शन जब आपको जल्दी चिकित्सा देनी है तब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दर्शन और स्पर्शन में किस जगह पे देखना है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बहुत बार आपने देखा होगा नाड़ी परीक्षा, ये ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट रहेगी, नाड़ी में बहुत ज्यादा तीव्र वेग रहना, नाड़ी नहीं ही लगना बिल्कुल, या मिसिंग बीट्स रहना, ऐसी कुछ अवस्थाएं रहती है जिसके बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको अवगत होने के बाद आप कुछ डिसीजन ले पाते हो। जैसे आगे जाके हम कल्प बताने वाले उसमें कुछ चीजें है इसमें से, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब नाड़ी गड़ी गति जब बड़ी होती है तब आप फॉर एग्जाम्पल हेमगर्भ यूज कर सकते हो, जब नाड़ी गति बहुत कम होती है तब आप लक्ष्मी विलास रस यूज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ तुरंत आप प्रिसाइज डिसीजन भी ले सकते हो सिर्फ नाड़ी समझ के। अगर फॉर एग्जाम्पल मिसिंग बीट लग रही है आपको तब, और हाइपोटेंशन में अगर रुग्ण नहीं है बट, तो आप फॉर एग्जाम्पल महावात विध्वंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कल्प के डिसीजंस के लिए भी आपको नाड़ी जैसे चीजों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाड़ी यानी सिर्फ हार्ट
हम जो देखते हैं वही नाड़ी नहीं, तो नाड़ी के जो विविध स्थान बताए हैं वो स्थान हम बहुत बार नाड़ी पढ़ते वक्त थ्योरी के लिए पढ़ के रखते हैं, बट एक्चुअली आत्यिक अवस्थाओं में उनका महत्व ज्यादा है। जैसे गुल्फ संधि के जगह की नाड़ी है, या फिर इधर मन्यागत जो कैरेटॉइड आर्टरी है उधर की नाड़ी, शंखगत जो नाड़ी है, इन सब चीजों का, या फिर अपांग जो है या अपान प्रदेश के बाजू में जो नाड़ी है उस जगह की नाड़ी, ये जो स्पंद है इनकी भी बहुत ज्यादा स्पंद के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आत्यिक अवस्था करते वक्त, तो वो नाड़ी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है मर्म, क्योंकि मर्म के बारे में बताते वक्त ही मारयंती थी मर्माणी ये महत्वपूर्ण सूत्र दिया हुआ है, तो जिन पे आघात होने से मरणकारित्व आता है उन्हें ही मर्म कहा जाता है। तो ऑफकोर्स आत्यिक अवस्था के लिए कारणीभूत होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक महत्वपूर्ण फैक्टर मर्म ही रहता है बहुत बार, और मर्म आघात का मतलब हमेशा बाहर से कुछ एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है ऐसे ही रहता है ऐसे ही नहीं, तो इंटरनली भी आभ्यंतर मर्माघात, ऐसे टीकाकारों ने ऑलरेडी दे के रखा है, तो दोषों का आभ्यंतर मर्माघात रह सकता है। और मर्मों में आपको पता है त्रिमर्म ये प्रधान है, जिसमें शीर, हृदय और बस्ती, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि शीर, हृदय या बस्ती इस जगह पे होने वाले बड़े कुछ व्याधि यही बहुत बार इमरजेंसी के लिए कारणीभूत हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे ऐसी इन तीन मर्मों पे मेनली कुछ आघात है क्या, बाह्य भी या फिर आभ्यंतर मर्मों से मर्माघात कुछ दोषों से हुआ है क्या, यह भी देखना जरूरी हो जाता है। और इनका परीक्षण करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, इनका परीक्षण कभी कभी बहुत इजी भी रह सकता है, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन जरूरी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस थी जिसमें इसमें से एक मर्म यानी बस्ती, उसके बारे में इजी यह चीज थी कि सेम ये हुआ था कि बहुत एज्ड पर्सन थे जिन स्त्री रुग्णा ही थी, और उसमें बहुत रात को 11 या 11:30 बजे वेग आया था उनको, वो अनकॉन्शियस हो गई थी, उसके लिए हमें उनके बेटे ने बुलाया था। तो वो जाने के बाद जब देखा तो वो सेम अवस्था में फेनोद्गम हो चुका है, मूर्छित अवस्था में है, ऊर्ध्व दृष्टि हो चुकी है, और उधर देखा तो बहुत आधमात उधर है, ऐसे सब अवस्था थी। तो कुछ ये चीजें जल्दी जल्दी देखने के बाद एक पता चलता है कि इसमें अलग बात क्या मिली, तो आधमा तो उधर, तो पहले हमें बात पता चलती है कि शायद इसमें कुछ उदावर्त हो सकता है। अभी आधमा तो उधर जब हमने देख लिया पहले कुछ सेकंड्स में, तो पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या मलरोध या मूत्र वेगरोध है क्या। तो उन्हें पूछने के बाद पता चला कि उन्हें 2 दिन से ठीक से मूत्र प्रवृत्ति ही नहीं हो रही, और उसके वजह से उनको आधमान हो गया और अभी यह अवस्था आ गई। तो फिर शरीर में किसी जगह पे तीव्र अवरोध की वजह से, और वो बस्ती के जगह पे जो त्रिमर्म में से एक है, इसलिए यह अवस्था आ चुकी है। तो ऑफ कोर्स इसमें पहले जो चीज रहती है, तो आपको अगर पॉसिबल है तो ऐसे अवस्थाओं में उस जगह पे सद्य अवरोध दूर कैसे कर सकते हो आप, शोधन की अगर अवस्था है और ठीक से आप कर सकते हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस अवस्था में वो रुग्ण का एज वगैरह देख के वो पॉसिबल नहीं था, बट हमने पहले अगर कुछ किया था तो ऑफकोर्स नाड़ी गति वगैरह देख के, महालक्ष्मी विलास देख के उन्हें सेटल किया था, जिससे वो एटलीस्ट कॉन्शियस हो गई थी, मूर्छा से बाहर आ चुकी थी। दूसरी चीज की थी कि वो मूत्र रोध है, इसलिए गुड़ गुड़ और जीर ये योग है जो मूत्र विबंध दूर करता है, और वो जो घर में इजीली अवेलेबल था क्योंकि ये रात को एक घर में जा चुके थे, तो वो पहले सेवन के लिए दे दिया था जिससे मूत्र वेग दूर हो जाए। और जब वो स्थिर हो गई रुग्ण, स्टेबल हो गई, उसके बाद जाके मूत्र वेग आने के लिए जो कुछ मूत्र अलग अलग द्रव्य मिले कॉलेज में जाके, उधर से क्वाथ के द्रव्य लाके वो क्वाथ पिलाया बाद में, अब अधोदर में बाहर से वंदाक नाम की एक वनस्पति है, यानी आपको पता होगा बांडगुड़ कहते हैं मराठी में, दूसरे पेड़ों पे जो आने वाली पैरासाइट्स रहती है उस, वो भी अच्छी मूत्र रहती है, तो उसका लेप लगा दिया था। इन सब से उनका मूत्र वेग आ गया बाद में, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी थी। तो तब प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या करना है। तो अगर बस्ती की अवस्था है, आप तपन कुमार सर के लेक्चर में भी सुनोगे कि बस्ती बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी निरुस्त बस्ती जो शोधन के लिए प्रयुक्त तो होने वाली है, तो वो बस्ती देके पहले वो उदावर्त तो दूर करना, ये भी महत्वपूर्ण चिकित्सा हो जाती है। तो ऑफकोर्स बात आई थी मारयंती थी मर्मानी से, तो मर्म में आप एक्सेस क्या करोगे, बट त्रिमर्म तो ठीक है कि आप शायद इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हो कि
रुद्र रोग है या फिर रुद्र रोग में वेग अवस्था आ चुकी है, तो आपको जनरली पता होता है कि स्वेदन आया था क्या, या फिर लेते वक्त वो हृदय के जगह पे हाथ रख के गिर गए क्या, जब तीव्र वेग आया था, रेडिएटिंग पेन थे, ये आपको जनरली पता होती है। बट बाकी मर्म का आप क्या करोगे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऐसे रुग्ण में आप जब परीक्षण के लिए जाओ या देखने जाओ, तो एक चीज करके देखनी है, जो भी शरीर भाग किसी भी व्याधि से अफेक्टेड है ऐसे लग रहा है, चाहे वो पक्षवद हो और अर्ध शरीर हो, या फिर रुद्रोग जैसे संभावना है और उस साइड पे सिर्फ ऊर्ध्व और वाम भाग इसमें अफेक्टेड लग रहा है, या अधोदर जैसे अभी बताया था वैसे कुछ, जो कुछ आपको लगता है उस जगह पे जितने भी मर्म है, आपको पहले मार्किंग अच्छे से पता होनी चाहिए मर्म की। ये एक पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मर्म आप ठीक से समझ लो और बॉडी पे मार्किंग किधर किधर है मर्म की। और दूसरी चीज हो जाती है बाद में, तो फिर रुग्ण के पास जाते हैं तो मर्म पीड़न करके देखो। जनरली ऐसे देखा जाता है कि अगर आभ्यंतर दोषों से मर्म पे आवरण हो चुका है या आघात हो चुका है, तो उधर के स्पंद या फिर जिधर भी जिस मर्म में स्पंद है उस मर्म में स्पंद, बट ओवरऑल किसी भी मर्म में पीड़न के बाद शूल्य आता ही है, यानी प्राकृत होता है तो आना चाहिए। तो आप मर्म पीड़न करते हो तो रुग्ण को अगर शूल हो रहा है, अगर वो कॉन्शियस है तो मुंह से बता पाएगा, बट कॉन्शियस ठीक से नहीं भी है फिर भी आप जोर से पीड़न करते हो तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि शूल हो रहा है इसे, तो ये शूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज नहीं रहती, क्योंकि मर्मों पे अभ्यंतर मर्माघात हो चुका है। ये जो बात बता रहा हूं मैं, ये फिर से पांसे सर ने ही सिखाई हुई या वो फॉलो करते थे ये बातें हैं। तो फिर ऐसे जगह पे अगर कुछ एक या दो ही मर्म अफेक्टेड दिखते हैं, तो उस जगह पे मर्म के जगह पे कुछ ना कुछ लेपन चिकित्सा करना ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उधर से मर्म एक महत्वपूर्ण प्राणायतन है, तो मर्म में प्राण की शक्ति कम होने लगी है, पीड़न से उसे शूल नहीं हो रहा है, तो तेज भी अगर सद्यो प्राण मर्म है तो तेज कम हो रहा है, ये चीजें सोच के पहले मर्म पे लेपन चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें शुंठी का इजिली जो अवेलेबल रहती है, शुंठी का लेप ये एक इजिली देखा जाता है कि शुंठी से उधर लेप किया जाता है, जिससे वो तेज शक्ति जो है वो फिर से बढ़ने लगे और दोषों का मर्म पे जो आघात हुआ है वो तीक्ष्ण द्रव्य के वजह से दूर हो, जो त्वचा भी हो सकती है इस्तेमाल, शुंठी जैसे द्रव्य भी इस्तेमाल हो सकते हैं ऑफकोर्स, या जो कुछ आपको तीक्ष्ण द्रव्य उस टाइम पे सही लगता है, क्योंकि वो आपका कॉल है ऑफकोर्स एज अ वैद्य का, तो इसकी लेपन करना ही है। यानी दोनों जगह पे मर्म इंपॉर्टेंट है, कि पहले तो पीड़न करके या फिर स्पंद से देखो आप कि उस जगह पे एक्सपेक्टेड हमेशा के स्पंद आपको पता रहने चाहिए थोड़े से, बार बार अगर पेशेंट में देखोगे, आईपीडी में जाके अगर हमेशा पेशेंट देखते हो तो ये पॉसिबल होता है कि हल एक मर्म में थोड़ा थोड़ा पीड़न करके, ज्यादा नहीं बट हल्का पीड़न करके देखो कि कितना रुग्ण में प्राकृत रूप एक्चुअली कितना पीड़न होता है, कि कौन कौन से जगह पे स्पंद होते हैं, और वो जब रुग्ण देखते हो आत्यिक अवस्था का या कोई भी, तब वो उतने मात्रा में है या नहीं उससे आपको पता चलेगा कितना आघात है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज शरीर आभ्यंतर चिकित्सा के लिए हो जाते हैं, मर्मगुलिका नाम की साउथ की सहस्र योगम का एक्चुअली पाठ है, ये अवेलेबल रहती है, तो ये अगर आपके पास है तो वो आप आभ्यंतर चिकित्सा में दे सकते हो। मर्मगुलिका से मर्माघात आप जल्दी से ट्रीट करने के लिए इजी हो जाता है। तो मर्म का ज्ञान होना ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट उसी के रिलेटेड आ जाता है, वो है प्राण। तो प्राण ये ही एक चीज बताई है जो पूरे जीवन का या चैतन्य का अनुवर्तन करने में इंपॉर्टेंट है। तो उदाने सॉरी विशेषात जीवितम प्राणा उदाने बलम मुच्यते, ऐसे सूत्र भी है। तो जीवित ये प्राण पे डिपेंड है, और जो बल है ये उदान पे डिपेंड है। तो आपको हमेशा याद रखना होता है, जब भी रुग्ण में प्राण शक्ति का क्षय दिख रहा है तो प्राण वायु या फिर सॉरी जीवन जीवन का क्षय दिखता है, तो जीवनी का क्षय यानी ओवरऑल रुग्ण डेथ की तरफ बढ़ रहा है, या फिर किसी शरीर के एक अवयव में स्पंदन पूरे तरह से जा चुके हैं और उधर जीवन कर्म ठीक से नहीं हो रहा है, नेक्रोसिस जैसे भी कंडीशन हो सकती है, ये जब जब होता है तब आपको एक प्राण वायु के बारे में हमेशा इंपॉर्टेंटली सोचना होता है। और ये कुछ चीजें होती है जो सोचने के बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हो, लाइक प्राण जब पता चलता है तो प्राण पे कर्म करना है, प्राण वो स्रोतस इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा। और दूसरी बात, प्राण वायु के लिए अलग से काल देख के रखा है आहार औषध सेवन में,
वो उस काल में औषधि देनी है, ये भी इम्पोर्टेंट हिंट आपको उधर से मिल जाती है। तो इसलिए ये कुछ थियोरेटिकल चीजें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, थियोरेटिकल एक्चुअली नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो प्राण का ज्ञान होना और प्राणायतन, जो कुछ दशे व प्राणायतनान्याहु ऐसे कहा है, उसमें शंख, मर्मत्रय, कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुद ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर आपको इंपॉर्टेंट जैसे कहा था कि शंख पहले इजीली चेक कर सकते हो आप, किस प्राण शक्ति कितनी लग रही है रुग्ण में, प्राण क्षय हो रहा है क्या इसलिए, और मर्मत्रय का परीक्षण, और रक्त स्राव नहीं हुआ है ना, तो रक्त ये भी एक प्राणायतन है, और रक्त स्राव अगर हो गया जाएगा तो प्राण हानि होगी। तो रक्त स्राव फिर से दो ही दो तरह से हो सकता है, एक तो है आभ्यंतर रक्त स्राव और दूसरा बाह्य रक्त स्राव। बाह्य रक्त स्राव ठीक है, पहले ही पता चलेगा आपको रक्त देख के ही, बट आभ्यंतर रक्त स्राव हिमोरेज में हो सकता है, या आभ्यंतर परफोरेशन के वजह से किसी जगह पे शरीर में हो सकता है। ये रक्त स्राव पहचान लेना ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ऑफकोर्स ये रक्त स्राव बहुत बार MRI वगैरह इससे पता चलता है, ये एक बात है, बट दूसरी अगर चिकित्सा वाग्भट में आंत्र भेद के बारे में बताते वक्त आपने अगर देखा, तो उधर वो बताते हैं कि आंत्र भेद होने की वजह से उधर में पूरा रक्तस्राव हो चुका है। ये कैसे पहचान सकते हैं, एक तो जो मलवेग आएंगे उसमें रक्त का उपस्थिति रहती है, उससे पता चलता है कि आभ्यंतर किधर रक्तस्राव हो चुका है, और वेग भी नहीं है फिर भी। दूसरी चीज अगर देखनी है तो इसमें स्पर्श चिकित्सा इंपॉर्टेंट रहती है, कि अगर अधोदर पूरे शरीर